नहरी चांद को कालक लगी है। क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। किससे? कौन नुकसान पहुंचाएगा मुझे? आमिर से। वो बहुत डेंजरस है, तुम्हें पता है। उसका पास इस चीज की गवाही देता है। आप ही उसने मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था ना, वो पहुंचा चुका है। एक दिन एक औरत आई जिसने कहा वो दुआ की माँ है और अंदर चली गई। जी क्यों, ये सब क्यों हुआ? वो मैंने जराए से पता लगवाया था, ये प्लान कर रहा है, किसी तरह वो दुआ से इन टच रहेगा। ये उन दोनों की प्लानिंग है। सर उससे क्या, खुद को तुम गिरबान छोड़ो। क्या गिरबान छोड़ू मैं? हाँ बुलाओ सिक्योरिटी की। ये जो तुम्हारा बॉस है ना, अब तीस साली को अपना हवस का निशाना बनाया, उसे जलील करते हो तुम। पागल आदमी, ले जाओ इसको। मैं सब समझा सकता था तुम्हें। नहीं दुआ, मैं तो तुमसे प्यार ये भी प्यार था। ये कैसा प्यार? क्या कर रही हो तुम? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। दुआ, तुम कहीं नहीं जा सकती। आपको जाकर दिखाऊं। दुआ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मुझे आपका कत्ल भी क्यों ना करना पड़े, मैं जाऊंगी। दुआ, अच्छा मेरी बात तो सुनो। दुआ देखो, बैठकर आराम से इस मसले का हल निकाल लेते हैं। कोई हल नहीं है इस मसले का। दुआ, मैं माफी मांगता हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। फलासत की माँ, इतना बड़ा जर्फ नहीं है मेरा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो दुआ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं जा सकती। दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? दुआ, ये छुरी नीचे फेंको। मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। दुआ, ये छुरी नीचे फेंको। मुझे जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ जाओ। हाँ बोलो। अम्मी देखे ना, इतने दिन हो गए, दुआ से कोई बात नहीं हुई है। हाँ तो क्या जरूरत है उससे बात करने की? वो हमारे साथ ठीक कर रही है जो हम उसकी फिक्र करें। अम्मी आप उसे अपनी बेटी ना माने, लेकिन मेरी वो बहन है। तो फिर मैं क्या कर सकती? आप उसे प्लीज घर बुला ले। नहीं, आमिर नहीं उसे आने दे। अगर आप आमिर भाई से कहेंगे तब भी नहीं आने देंगे। आपकी कही बात तो उनकी नजर में हुक्म का दर्जा रखती है ना। हाँ तो मैं क्यों कहूँ? मैं आप क्यों नहीं कह सकती?
इसलिए कि वो यहाँ आके आजादी से अमीरत से बात कर सके। मैं क्यों लूँ ये जिम्मेदारी और उसे पहले ही अपने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं? मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फारिया, मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। काम करते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए दुआ की तरफ चली जाती हूँ, उसका दिल भी बहल जाएगा और मेरी मुलाकात भी हो जाएगी। अब मम्मी, इस बात में तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम मुझसे वादा कर, वहां जाकर दुआ के साथ मिलकर कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिसके लिए आमिर के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वैसे शर्मिंदा ना आमिर भाई को आपके आगे अम्मी होना चाहिए। देख लो, तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो तो वहां जाकर क्या करोगी? अच्छा अम्मी, वादा, मैं कुछ नहीं कहूंगी वहां जाके। फोन मिलाऊं आमिर भाई को? लो, शैतान का नाम लिया और मेरा मतलब है आमिर भाई का फोन है, आप बात करें उनसे। हाँ बेटा। कहाँ गई हो तुम? हेलो। हेलो फारिया, मैं दुआ बात कर रही। दुआ, तुम कहाँ पर हो? मैंने आमिर का घर छोड़ दिया। जानती हूँ मैं, अभी आमिर भाई का फोन आया था अम्मी को। मुझे बताओ कहाँ पर हो तुम इस वक्त? मैं सड़क पर मैं यारो मददगार खड़ी। कहाँ पर? मैं आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, देर मत लगाना। अच्छा दुआ, तुम परेशान मत हो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास। शुक्रिया। कोई बात। दुआ का फोन था ना? नहीं तो? झूठ बोल रही हो तुम। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना कि दुआ का फोन नहीं था। ठीक है, मैं मान लेती, लेकिन आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। अम्मी, क्या हो गया आपको? तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई? आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी, और अगर गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। आमिर आ रहा है, देखते हैं कि वो इस मसले का हल क्या निकालता है। तब तक तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, समझी? हेलो फहद। फारिया, फारिया कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना?
हुआ? क्या हुआ है? मुझे यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कितना बुरा हुआ है, सब खराब हो गया। मैं रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ है, मैं आमिर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो इंसान नहीं है, वो है बाकी। मारिया, फिलहाल उससे तुम कुछ मत पूछो, उसे घर लेकर जाओ। मुझे घर नहीं जाना, मुझे अम्मी के पास नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना। फिर कहाँ जाना है दुआ? मुझे नहीं पता, मुझे अम्मी के पास नहीं जाना। मेरे पास एक जगह है, मेरा भाई का फ्लैट, उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट ले रखा है, वो खाली है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, तुम वहाँ जाके रह सकती है। तुम अभी मेरे साथ गाड़ी में चलो, हाथ संभालो। इसे अपना ही घर समझो दुआ। थैंक यू मेरा भाई, आपने हमारा बहुत साथ दिया। मैं दुआ को अम्मी के घर लेके जाती तो उनका वही रिएक्शन होता जो उनका पहले था। इसे बिल्कुल अपना ही घर समझो, ठीक है? अच्छा आप बताओ दुआ, तुमने कहा आमिर का घर अचानक क्यों छोड़ा? थोड़ी देर हो रही है, मेरे ख्याल है मुझे चलना चाहिए, ठीक है? ओके, आपसे फिर मुलाकात होगी। एंड थैंक्स अगेन। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। दुआओ, आराम से। मैं कर लूंगी। बैठो यहाँ, बताओ आप मुझे क्या हुआ था। वो वीडियो देख ली है मैंने। कौन कौन सी वीडियो? तुम नहीं जानती। जानती थी। कितनी अजीब बात है ना, तुम आमिर की हर असलियत जानती थी फिर भी तुम मुझे समझौता करने का कह रही थी। तुम मैं क्या करती, मैं डर गई थी, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम तो बहुत बहादुर थी। अपने लिए, तुम्हारे हवाले से नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी मुश्किल में पड़ो। मुश्किल नहीं, असाब था, खत्म होने वाला। खत्म होने वाला मतलब? तुम किसी अच्छे लॉयर से बात करो, मैं आमिर पर मुकदमा करना चाहती हूँ। तुम मत करना, वीडियो खत्म कर चुकी हूँ। दुआ तुम सच कह रही हो? गॉड, दुआ उनके पास एक यही चीज थी जिस बात पर वो मुझे ब्लैकमेल करते थे। है, किस मुकदमे की बात कर रही हो? तलाक का? हर एक जुर्म का जो आपने मुझ पर किया है, सजा दिलवा कर रहूंगी। साथ दोगी मेरा? तुम्हारा साथ देने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ दुआ। रुको, देख लिया आपने? देख ली, ये है दुआ की मददगार, उसकी मदद करके आ रही हो ना तुम? कहाँ से आ रही हो फारिया तुम? दुआ के पास से। कहाँ है दुआ? है कहीं, आपकी पहुंच से दूर। वैसे मैं आपको क्यों बताऊं? दुआ कहाँ है? फारिया बोलो, दुआ कहाँ है? दुआ आमिर भाई से खुला ले रही है, और इस हालत में इनके घर पे रहना उसके लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। उसने फैसला ले लिया। फाइनली मैं आखिरी बार पूछूं, कहाँ है दुआ? अब बेहतरी की कोई सूरत नहीं आमिर भाई। और बाय द वे, मैं आपको आमिर भाई क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो चुके। सुन लिया आपने? सुन लिया, मैं आपसे कह रहा था ना, ये उसके साथ मिली हुई है। अगर अम्मी ने सुन लिया होता तो दुख किस बात का?
क्या सुन लिया होता? मैं खुद दुआ को ढूंढ के लाता, मैं खुद लाता हूँ। दुआ मीरा भाई के घर पे। मीरा के घर जी, वहां क्यों है वो? दुआ मीरा भाई के नए घर में। अब आपको अंदाजा हो गया आपकी बेटी क्या कर रही है, मेरे साथ कितनी बदचलन है वो, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या करे अम्मी? अम्मी अम्मी संभालो खुद को। आए अब मैं आपको पानी पिला दूँ। कितनी आराम से रशीदा कहाँ मर गई? रशीदा सब आपने बुलाया सर? तुम्हारा नाम रशीदा है? पागल हो गए हो तुम? रशीदा कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको कहो एक गन साफ करें यहां पर से। क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो ऐसे? अब वो इस घर में कैसे हो सकती है? वो तो आपने उसको निकाल दिया है। मैंने? ठीक, तो अब आप हुजूर ये साफ कर सकते हैं या ये मैं करूंगा? जी सही से करो। कुछ बेहतर फील कर रही है? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? ये क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें करेंगे? शादीशुदा बेटी किसी गैर मर्द के साथ रह रही। क्या यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रख? ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहां अकेली रहती है। आपने तो इस घर के सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए। कहाँ जाती हूँ? तो कहीं जाने की क्या जरूरत थी उसे? मैं तो आमिर का सामना करने के काबिल नहीं, बल्कि किसी का भी सामना करने के काबिल नहीं रही। दुआ तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तो आमिर भाई ने हमारी जान नहीं छोड़ी। नहीं, अगर दुआ आमिर भाई से तलाक लेना चाहती है तो ये दुनिया की पहली तलाक तो नहीं होगी ना? हाँ तो ठीक है, जो उसका दिल करता है वो करे, लेकिन उसे मैं अपने घर में नहीं रखूंगी। सुन लिया तुमने? और तुम उसे भी बता देना। इसीलिए तो वो इस घर में नहीं आई है। फारिया, तुम क्यों उसका साथ देती हो? क्यों साथ दे रही हो उसका, जबकि तुम्हें पता है वो गलत है? वो गलत नहीं है अम्मी, गलत आप हैं। आपको आमिर भाई पे हद से ज्यादा भरोसा है। बेटे से ज्यादा मान है आपको उन पे। मान तो मुझे दुआ पर भी था, मेरी लाज का भरम नहीं रखा उसने। नहीं प्लीज, आप दुआ को उसकी जिंदगी जीने दें, वो जो कर रही है उसे करने दें। आप करती है ना आमिर भाई से मोहब्बत बेटों से ज्यादा, तो आप करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। आमिर ने मुझे बेटा बनकर दिखाया, तो सोचती हूँ कोई और होता ना तो दुआ की ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। हमें प्लीज आप सो जाएं, और प्लीज दुआ के लिए कुछ गलत मत सोचिएगा, ना ही उसे कोई बददुआ दिएगा। करने दें उसे जो वो कर रही है। मां औलाद को कैसे बददुआ दे सकती? इस मामले में मां हमेशा ही गरीब रही है। अच्छा आप आराम करें, आपकी तबीयत सही नहीं है।
मेरा भाई ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। फारिया तुम फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। ओके, आपकी नजर में है कोई अच्छा लॉयर? हाँ है, बहुत से। तो आज ही बात करें ना। लिसन, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आज ही बात करता हूँ। मुझे अब किसी का डर नहीं है, आमिर की तरफ से कोई खौफ नहीं है, तुम्हारे सब संभाल लिया। फारिया तुम्हें नहीं लगता कि इस सब में कुछ देर हो गई है? मेरा भाई आप खुद ही तो कहते थे कि जो होता है वो पहले से लिखा होता है। हाँ बात सही, लेकिन कभी कभार ना हम अपनी तकदीर खुद लिखवा लेते हैं। कुछ दुख, कुछ तकलीफें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अब तो हो ही जाना चाहिए। चलो कुछ खाओ, ये लो। थैंक यू। पापा इतने दिनों बाद याद किया मुझे। हाँ शाहीना, मैं जरा थोड़ी सी मसरूफ थी। क्या बात है, ये दुआ फोन नहीं उठा रही? कब से फोन कर रही हूँ मैं इसको। पापा मसरूफ होगी वो। अरे भाई इतनी भी क्या मसरूफियत। अच्छा हो सकता है कि उसके मोबाइल में कोई मसला हुआ होगा। आमिर भी फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं, वो बेचारा ऑफिस में उलझा होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कोई खबर मिली? कैसी खबर? अरे कोई खुशखबरी। कोई खुशी की खबर होती तो सब ठीक ना हो गया। क्या बात है शाहीना, कुछ हुआ क्या? नहीं आपा, कुछ भी नहीं। मुझे तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि मेरे जाने के बाद वहां कुछ हुआ है? हाँ आपा, यहां बहुत कुछ हो गया। क्या हुआ है बताओ मुझे। रमशा अब ये नीरव कहाँ रह गया है? कहता कहीं बाहर गया हूँ, जल्दी आ जाता हूँ। तौबा है, घर में एक ही मर्द है, वो भी गायब, क्या कहेंगे मेहमान? अम्मी सलमान के घर वाले इन बातों को बढ़ावा नहीं देते, रिलैक्स करें। तुम तो हमेशा उसी की तरफदारी करना। अब वो घर पे नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? फोन करो, पूछो कहाँ पर है, कितनी देर में आएगा। अच्छा अच्छा आप जाके बैठी उनके पास, मैं फोन करती हूँ। अच्छा जा रही हूँ, ये जरा ढंग से लेकर आना। हाँ हाँ ले आऊंगी, आप तो जाए प्लीज। दुआ मेरी मीरा भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो एक अच्छा वकील देख रहे हैं। इसके बाद तुमने राहिल से मिलना है, उससे बात करनी है। वो इस मुकदमे का बहुत अहम बंदा है, उसकी गवाही से सब कुछ हल हो जाएगा। अगर दुआ राहिल को मनाना भी एक मुश्किल काम है। वो क्यों? वो पहले ही हमारी कितनी मदद कर चुका है बिना किसी फायदे के। लेकिन बात तो करके देखो ना तुम उससे। मैं बात करूंगी। दुआ, मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, मगर ये बात याद रखना कि अम्मी तुम्हारे साथ नहीं है। कल को अगर तुम आमिर से तलाक लेती हो तो अम्मी शायद तुम्हारा चेहरा भी ना दिखे। जानती हूँ अम्मी का ही तो एहसास है, मैंने ये काम में कब का कर चुकी होती। बहुत मुश्किल से मैंने ये हिम्मत बांधी है। ऐसी बातें करके अब मेरी हिम्मत को तोड़ मत देना। तो मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, अगर कल आमिर पकड़ा जाता है, उसका जुर्म साबित हो जाता है, तब भी अम्मी उसे गलत नहीं समझेंगी, वो तुम्हें और मुझे ही गलत कहेंगी। अम्मी अगर बाज़िद है इस सच को झूठ मानने में तो तुम या मैं क्या कर सकते हैं? तो अम्मी का जो मान है ना उनके बेटे पे, उनके मुंह बोले बेटे पे, मुझे उस मान के टूटने से डर लगता है। मेरा भी तो टूटा था। फिर तो तुम अच्छे तरीके से जानती होगी कि मान टूटने का दुख क्या होता है। मम्मी को एक ना एक दिन इन गलत फहमियों से निकलना होगा, जिनको वो कब से हकीकत मान कर बैठी है। मुझे भी गलत समझती है, कहती है कि दुआ जो कुछ भी कर रही है मेरी सपोर्ट की वजह से कर रही है,
काश अब मैं एक लम्हे के लिए आमिर की माँ बनकर नहीं बल्कि हमारी माँ बनकर हमारी बात सुने। शायद वो हमारी बातें समझ जाए जिनके कब से इनकार कर रही है। काश मीरा जी कहाँ थे तुम? पता है अम्मी कितना बोल रही थी आज। आप इसमें क्या है, तो उनका रोज का ही काम है। सलमान के घर वालों ने आना था आज, तुम्हें घर होना चाहिए था। आप ही इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, वो आज डेट फिक्स करने ही आए थे ना, आपको रुखसत करके तो नहीं लेके जा रहे थे ना? जो तुम्हारे हालात लग रहे हैं मुझे लगता है मेरी रुखसती तुम्हारे बगैर ही हो जाएगी। अच्छा चलो मुझे बताएं कि कौन सी डेट फिक्स हुई है। नेक्स्ट मंथ की 15th। अच्छा यानी पूरे 25 दिन मजीद आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मीरा सुधरोगे नहीं ना? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लें। अच्छा मुझे ये भी पूछना था कि अम्मी के सर से मेरी शादी का प्रूफ होता है या नहीं? कोशिश तो मैंने बहुत की है, फिलहाल तो उनका ये कहना है कि मेरी शादी के बाद वो जहर खा लेंगी और इस घर में तुम अकेले रह सकते हो। ऐसे अम्मी की ऐसी बातें बहुत खोखली लगती है ना कभी। अमीन उन्होंने ऐसी बात कह तो दी है लेकिन आई एम श्योर कि वैसा हरगिज़ नहीं करेंगी। शर्म करो मेरे, माँ है तुम्हारी, काफी जज्बाती हो रही थी आज। अच्छा हैरत है, मतलब खानदान की इज्जत के अलावा उन्हें किसी और की भी जरूरत है। अच्छा चलो लीव है, आ जाओ। आप खुद सोचिए, जब वो दोनों एक साथ रह रहे हैं तो अब मैं क्या करूं? आमिर तुम दुआ को छोड़ दो। हाँ बेटा तुम दुआ को छोड़ दो, तुमने उसकी खातिर अपनी जिंदगी क्यों जहन्नम बनाई हुई? ठीक है जो करती है करने दो, तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा जो वो तुम्हारे साथ कर रही मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? मैं आप सबकी खातिर अम्मी जी, आप सबकी खातिर ही तो बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं ये सब। इतना जुल्म किया है ना मैंने तुम पे, तो आके शादी तुम्हारे साथ करके। हाँ लेकिन नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता अम्मी जी, और फरत ने अपनी जिंदगी में मुझसे ये वादा लिया था मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आप सबको खुश रखूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब? अरे बेटा ये दुआ माने तब है ना। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मैं फरद से किया हुआ वादा किसी सूरत नहीं तोड़ूंगा अम्मी जी। तो ठीक है करने दो जो वो कर रही, मैं अल्लाह से रो रो के दुआ करती कि अल्लाह उसे हिदायत दे। मीरब अगर मीरब हमारी जिंदगियों से चला जाए ना तो ये सब ठीक हो सकता है। मीरब? हाँ हाँ मीरब, मीरब के बलबूते पर ही दुआ ये सब कुछ कर रही है क्योंकि मीरब उसे भड़काता है। दुआ तो मासूम है और अच्छी खासी मेरे साथ ठीक भी हो रही थी, ये मीरब के वापस आने के बाद सब कुछ हुआ है। मीरब को हमारी जिंदगी से निकलना होगा और अगर वो निकल गया ना तो ठीक है। मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती। कहाँ जा रही हो? आपको कोई काम है? मैंने तुम्हारे काम के बारे में पूछा, किस काम से बाहर जा रही हो? दुआ से मिलने जा रही। ठीक है जाओ, और तुम्हें कौन रोक सकता है? रोकूंगी तो छुपके मिलने चली जाओगी, रोकने का फायदा? मैं दुआ से सारे ताल्लुक आपने खत्म किए, मैंने नहीं किए। ठीक है मुझे भी किसी काम से बाहर जाना। किस काम से? किसी से मिलने, और उससे मिलना बहुत जरूरी होगा। मीरा मीरा
आंटी आप? हाँ मैं। कैसी हैं आप? हमारी वालदा कहाँ? वो यहीं हैं। खैरियत? उनको बुलाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो आप मुझसे कर लें। क्या बात करनी है? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ वही काम कर रही हो जो मेरे घर में फारिया अंजाम दे रही। वो वहाँ दुआ का साथ दे रही और तुम यहाँ अपने भाई का। आप क्या कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मतलब है इस बात का? तुम अपनी वालदा को बुलाओ। अच्छा आप आए बैठे, मैं बुलाती हूँ। आ जाओ, आइए ना। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? रमशा, वो मेड बता रही है कि दुआ की अम्मी आई हैं। हाँ, वो मुझसे मिलने आई हैं। तुमसे मिलने आई हैं? क्यों? क्योंकि दुआ मुझसे ट्रीटमेंट करवाती रही है, इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। आप मत मिलिएगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। और ये फोन किसे मिला रही हो तुम? मीरब को। उठा भी नहीं रहा वो। उसकी अम्मी को अगर तुमसे मिलना होता ना तो तुम्हारे क्लिनिक में आके मिलती, यहाँ नहीं आती वो। अम्मी मेरी बात सुने। सलाम अलैकुम। अगर आपको कोई बात करनी है तो बैठ के बात कर सकते हैं। आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लगता है आप मुझसे अभी तक बदजन हैं। आपके सलाम का जवाब कैसे दूं? सलामती भेजूं आप पर, जिसका बेटा मेरे घर की सलामती के पीछे पड़ा हुआ? किसकी बात कर रही हैं आप? एक ही बेटा है ना आपका, मीरब। मैं उसी की बात कर रही हूं। आप खुल के बात कीजिए प्लीज। मैं मानती हूं कि इस सब में मेरी बेटी भी कसूरवार है, लेकिन आपका बेटा इसलिए ज्यादा कसूरवार है कि वो उसे उकसा रहा है। दुआ की बात कर रही हैं आप? उसी का नाम मीरब के साथ मंसूब किया जा रहा है। मैं यहां इन दोनों की बात करने आई। आपकी खामोशी बता रही है कि आप पहले से सब कुछ जानती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सारी बात नहीं मालूम। तो सारी बात यह है कि आपका बेटा एक बद किरदार लड़का है। शाइना बेगम, आप जरा एहतियात से बात कीजिए, क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में एक लफ्ज सुनना नहीं चाहती। मैं भी नहीं सुन सकती थी अपनी बेटी के बारे में वो सब कुछ जो मुझे सुनना पड़ा। उसकी बारात वाले दिन हजार लोगों के बीच में मुझे वो सब कुछ सुनना पड़ा जो जो आपने मुझे कहा। मेरी बेटी का कसूर नहीं था तब भी मुझे सब कुछ सुनना पड़ा। अब आपको सुनना पड़ेगा। तब तो आपको बड़ा ख्याल था अपने खानदान की इज्जत का, रुतबे का, वकार का। अब कहां गया वो वकार? देखिए आपका बेटा आपके खानदान की इज्जत कैसे उछाल रहा है सड़कों पे। मीरब, क्या किया उसने? उसने अपनी सारी हदें फलांग दी। जबरदस्ती दुआ के घर जाता है, उसे तंग करता है। मेरे दामाद के ऑफिस में भी पहुंच गया, वहां भी उसने तमाशा लगाया। एक बात तो बताएं मुझे, किस हैसियत से, किस रिश्ते से ये सब वो उसने किया? सब कुछ मीरब ने किया? जी, आपके बेटे ने। मैं एक बात बता दूं जहांआरा, इस बार मैं खामोश नहीं होंगी। जितनी बदनामी उस दिन मेरी हुई थी ना, उससे कहीं ज्यादा बदनामी मैं आपकी करूंगी, क्योंकि उस दिन आपको अपने खानदान की इज्जत का ख्याल था और अब मुझे मेरे खानदान की इज्जत का ख्याल है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सब कुछ हुआ उसमें सिर्फ मीरब का कसूर है और दुआ इससे बिल्कुल कतई ताल्लुक खड़ी है? मैं ये नहीं कह रही कि दुआ इस सब में नहीं शामिल है। मैं ये कह रही हूं कि मीरब उसे इस सब में घसीट रहा है।
एक बात बताएं, कोई किसी को कैसे बहका सकता है जबकि वो पहले से बहकना ना चाहे तो ठीक है। आप अगर अपने बेटे की गलती नहीं ना मान रही तो मैं वो कर देती जो वो चाहता है, जिसके लिए ये सब वो कर रहा है। क्या? मैं अपने बेटी को आमिर से तलाक दिलवाकर मीरब से शादी कर देती। ये मंजूर होगा आपको? बोलिए, अब आप खामोश क्यों हैं? मैं आपसे माजर चाहती हूं, लेकिन आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद आपको मीरब की तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा ही हो तो अच्छा है। आजा। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक हैं। कुछ पियोगे? नहीं आंटी, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे कैसे, पहली मरतबा तुम हमारे घर में आए हो, ऐसे कैसे हो सकता है? दैट्स सो स्वीट आंटी। अच्छा चलो, शुक्रिया। कैसे हो राहिल? ठीक हूँ। लगता है इस बार आपको मुझसे काफी बड़ा काम। आप अकेली नहीं आए। सुनहरी चांद को काला लगी है।